60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा शनिवार से 2 दिवसीय झारखंड बंद बुलाया गया है। बंद के दौरान NH-23 पेटरवार बोकारो और रांची मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इस दौरान बंद समर्थकों ने हेमंत सरकार मुर्दाबाद और 60-40 वापस लो की नारेबाजी की। बंद समर्थकों के द्वारा परीक्षार्थी एम्बुलेंस डॉक्टर बीमार लोगों को आने जाने की छूट दी गई थी। इसके लिए आवश्यक जो दिखाते हैं डॉक्यूमेंट छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस का सेवा एम्बुलेंस जो आ रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, जो डॉक्टर है उनको छोड़ दिया जा रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, अरे जो एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। और ये बात झारखंड की सवाल है, ये केवल हम लोग का नहीं है, झारखंड की सवाल है। और ये कहीं ना कहीं नीति झारखंड हित के लिए कतई नहीं है। ये 60-40 कहीं ना कहीं बाहरी घुसाव अभियान चल रहा है, इसी का विरोध में आज हम लोग बंद का आह्वान किए। बोकारो रांची मुख्य सड़क जाम होने के बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। बंदी के कारण यात्री काफी परेशान नजर आए। यात्रियों का कहना था कि इस तरह जाम कर लोगों को परेशान किया जाता है, यदि बंद ही करना है तो सरकारी कार्यालय बंद करें जिससे उनकी मांग पूरी हो सके। दिक्कत क्या, सब आदमी मरीज ले जो परेशान है, किसको कहीं जाना है, किसी का मीटिंग है, किसी का कुछ है, तो आप इसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम हाईवे साफ करा के रखना चाहिए। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।